वेलकम दोस्तों, आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स होता क्या है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बाद में हम देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद में हम उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखें, अब हम शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। सपोज करो एक बाइक है जो मीलों दूर ट्रैवल कर सकती है आसानी से, बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर पेट्रोल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर यह मालूम होता है कि बाइक का जो वर्किंग मीडियम है वो पेट्रोल है, यानी अगर बाइक में पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक का चलना इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम जो प्रेशराइज ऑयल पे काम करता है तो हम उसे हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, और कोई ऐसा सिस्टम जो प्रेशराइज एयर पे काम करता है तो हम उसे बोलते हैं न्यूमेटिक्स। तो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, जो है प्रेशर। हाइड्रोलिक्स के अंदर प्रेशराइज ऑयल एज अ वर्किंग मीडियम यूज़ होता है, और न्यूमेटिक्स के अंदर कंप्रेस्ड एयर एज अ वर्किंग मीडियम यूज़ होती है। एक्चुअली हाइड्रोलिक्स ये ग्रीक वर्ड से आया है, हाइड्रोलिकोस, जिसका मतलब है वाटर पाइपलाइनिंग, और न्यूमेटिक्स ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, न्यूमेटिक्स, जिसका मतलब है एयर प्रेशर। तो अभी हम देखते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये एक रोमन इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे फर्स्ट सेंचुरी के, जिनका हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के इन्वेंशन में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इन्होंने अपनी थेरीज में काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर नोट्स लिखे, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, न्यूमेटिक्स। तो हम इन्हें एज अ फादर ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसके अंदर तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला वाला स्टेज जो होता है वो इनपुट स्टेज होता है, फिर उसके बाद में एक स्टेज होता है जो कि कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग स्टेज होता है, फिर उसके बाद में एक स्टेज होता है जो कि आउटपुट स्टेज होता है। इनपुट स्टेज के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पुश बटन वगैरह, और उसके बाद का जो स्टेज है कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग स्टेज, इसके अंदर स्पेशलाइज वॉल्व यूज़ होते हैं, 5x2, 3x2 ऐसे वॉल्व यूज़ होते हैं, ताकि हमारा जो फ्लो है फ्लूइड का उसको कंट्रोल कर सके। और फिर लास्ट में जो स्टेज है उसमें सिलेंडर्स यूज़ होते हैं एज अ आउटपुट। दोनों सिस्टम के अंदर कंस्ट्रक्शन एकदम सेम है, बस डिफरेंस जो है वो इनपुट सप्लाई का है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिक्स के कुछ एप्लीकेशंस। कार या कोई भी व्हीकल में जो गियरिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम का एग्जांपल है। फिर उसके बाद में हम जो बुलडोज़र, जेसीबीज यूज़ करते हैं, ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करते हैं। उसके बाद में हमारी क्रेन, जो हमारा वेट लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है, ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती है। बाद में हमारी लिफ्ट, जो हम अप डाउन मूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में आती है प्रेस मशीन, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है और मेटल शीट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होती है, तो ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती है। उसके बाद में लास्ट में जो हम जैक यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए, तो ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है। तो ये थे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस जो हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ न्यूमेटिक्स के एप्लीकेशंस। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रेशर गेज, उसके बाद में आता है वैक्यूम क्लीनर, फिर उसके बाद में जो ट्रक में और बसेस के अंदर हम एयर ब्रेक्स यूज़ करते हैं, ये भी न्यूमेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो हम ट्यूबलेस टायर यूज़ करते हैं, ये भी न्यूमेटिक सिस्टम पे चलता है। उसके बाद में जो हम रेगुलरली हमारा पंप यूज़ करते हैं बाईसाइकिल में हवा भरने के लिए, तो ये भी न्यूमेटिक सिस्टम है। और लास्ट में एक ड्रिल मशीन आती है, वो भी न्यूमेटिक सिस्टम पे चलती है, तो ये भी एग्जांपल है। तो ये थे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस न्यूमेटिक सिस्टम के। अब हम इसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस ये है कि हाइड्रोलिक्स के अंदर लिक्विड यूज़ होता है और न्यूमेटिक्स के अंदर ड्राई एयर यूज़ होती है। उसके बाद में हाइड्रोलिक्स जो है ये हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, और न्यूमेटिक्स स्मॉल या फिर मीडियम वेट लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। और हाइड्रोलिक्स जो है कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होता है स्पीड में, वर्किंग स्पीड में, लेकिन न्यूमेटिक्स जो है वो फास्ट होता है वर्किंग स्पीड में। और अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन कंपैरेटिवली न्यूमेटिक सिस्टम थोड़ा चीप होता है, क्योंकि इसके अंदर एयर फ्रीली अवेलेबल होती है। उसके बाद में हाइड्रोलिक सिस्टम हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक के ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक के यूज़ कर सकते हैं।
और लास्ट में हाइड्रोलिक सिस्टम पे कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं जैसे कि टेम्परेचर, हीट, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम पे टेम्परेचर और हीट का कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक सिस्टम्स के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज यूज़फुल लगी होगी तो आप इसे सीखो, शेयर करो और अपनी लाइफ में ग्रो करो। मैं ऐसे और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ। और फाइनली, आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।